हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सपीडिया की तरफ से जो ऑफ कैंपस जॉब रिक्वायरमेंट आई है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें। तो इस वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊंगा, तो मेरी इस वीडियो को एंड जरूर बने रहिएगा। और इसी तरह के जॉब अपडेट पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेके आऊँ आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पोजीशंस का नाम आपको देखने को मिलेगा, ग्रेजुएट प्रोजेक्ट मैनेजर को यहाँ पर पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। और आप बात करें तो यहाँ पर आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप ग्रेजुएट स्टार्ट डेट होना चाहिए आपका 12 जुलाई 2021, और इसमें 2020 भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मैंशन कर दिया गया कि 2021 के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 2020 कोई बेच देख रहा है तो आई थिंक मैं आप लोग देख सकते हो, अगर आपका लक अगर होगा तो आप लोग को हो सकता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली 2021 बेच के लिए ही है। और आगे बात करें इसमें तो फिर आपको क्या क्या मतलब होना चाहिए इसमें, तो इसमें पूरा डिटेल्स में बना कर रखा हुआ था कि आप लोग को ये देखो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। परसुइंग बैचलर डिग्री पे होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, यूज़र इंटर एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत। आगे बात करें तो फिर जॉब डिस्क्रिप्शन की यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ट्रैवल इज मच मोर ऐसी यहाँ मतलब पूरा डिटेल्स पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एक्सपीडिया भी एक अच्छी खासी कंपनी है जिसमें भी आपको पैकेज अच्छा खासा देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो अप्लाई करने के सिंपल आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, तो आपको यहाँ पर रिज्यूमे अपलोड करना है, उसके बाद सिंपल प्रोसीजर नेक्स्ट करना है। और आपको अगर आपने कोई इंटर्नशिप अगर कोई ट्रेनिंग करके रखा हुआ है तो उस ट्रेनिंग को भी जरूर वहाँ पर मेंशन कीजिएगा। तो इसमें बात करें टेस्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर टेस्ट पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, लॉजिक रीजनिंग, टेक्निकल कोडिंग का भी आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और अगर आपका अच्छा से अगर आपका यहाँ पर रिज्यूमे सिलेक्ट होता है, अगर कंपनी आपको रिप्लाई पैक करती है मेल के थ्रू से, तो अगर आप स्टैंड आउट होते हैं तभी आपको मेल करेगी, सभी को नहीं मिल जाता है इसका। अगर आपका आपका जो रिक्वायर्ड स्किल्स है उसको रिक्वायर्ड स्किल से मिल जाता है तो आप लोग को रिप्लाई बैक आता है। तो उसके बाद आप लोग प्रीफर कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन टेस्ट पर आते हैं। ऑलरेडी गूगल पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप लोग को गिग्स फॉर गिग्स से मिल जाएगा, और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं आप इसे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है फ्रेंड। होप करता हूं फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।